रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं गार्लिक चीज स्टिक। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एज ए स्नैक्स भी यूज में ले सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं, किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, आप इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आइए अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गार्लिक चीज ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम बटर, एक कटोरी लहसुन, एक चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ली हैं, थोड़े से हमने कॉर्न लिए हैं बॉईल करके रखे हुए हैं, एक कटोरी हमने चीज घिस के रखी हुई है, थोड़ा सा पिज्जा स्पाइसी मसाला लिया है। फ्रेंड्स, आइए अब सबसे पहले हम लहसुन को एकदम बारीक कट कर लेते हैं। कट करने के लिए आप चाकू से अगर कट कर सकते हैं तो आप चाकू का यूज में ले सकते हैं, वरना हम इस तरह से चॉपर में भी यूज में ले सकते हैं। मेरे पास ये चॉपर है, इसमें हम यूज में, देखिए मैं इसको बताती हूँ आपको, मैंने इसमें छिला हुआ लहसुन डाल दिया है, ढक्कन लगा देंगे और एकदम इसमें बारीक हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन एकदम अच्छे से बिल्कुल बारीक कट हो गया है। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन को बाउल में निकाल लिया है। अब हम बटर लेंगे। देखिए, मैंने बटर पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था तो थोड़ा मेल्ट होने लग गया है। इसमें से हम आधा बटर लेकर के पिसे हुए लहसुन में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें बहुत अच्छे से इसको लहसुन के साथ में मिक्स करना है ताकि बटर में लहसुन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और गार्लिक बटर तैयार हो जाए। हम इसको गार्लिक बटर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से मेल्ट होने लग गया है, मिक्स होने लग गया है। हमने यहाँ पे गार्लिक बटर तैयार कर लिया है। आइए इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। नमक हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी बटर में नमक होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस ब्रेड की ली हैं। देखिए, बड़े साइज की ब्रेड है, आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स कट कर सकते हैं। आइए अब पहले हम इसके कॉर्नर्स को कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप चाकू से या कैंची से इनको कट कर सकते हैं। कॉर्नर्स का यूज हमने आपको पहले बताया हुआ है हमारे 2-3 वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। हम इससे ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। आइए अब हम बटर लगाते हैं। हमें बहुत अच्छे से इस पे बटर की लेयर लगा देनी है। देखिए, लुकिंग में ही कितना बढ़िया लग रहा है गार्लिक बटर, लुकिंग में इतना बढ़िया लग रहा है कि मेरा तो खाने का मन हो गया। इसी तरह से हम दूसरी स्लाइस को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इस पे चीज लगा देंगे। चीज हमें बहुत अच्छे से लगानी है, अच्छे से ब्रेड को चीज से कवर कर देंगे। देखिए, मैंने चारों तरफ बहुत अच्छे से चीज लगा दी है। दूसरी ब्रेड से मैं इसको कवर कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लाइस को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लाइस तैयार कर लिए हैं। हम इस पे कॉर्न लगा देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी बारीक कट करके लगा सकते हैं। इस तरह से हमने कॉर्न लगा दिया है। ज्यादा लगाना चाहते हैं ज्यादा लगा लीजिए आप। चीज डाल देंगे, अच्छे से चीज से इसको कवर कर देंगे ब्रेड को। देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से चीज लगा करके इसको तैयार कर दिया है। दूसरी ब्रेड से हम इसको कवर कर देंगे। आइए अब हम इसको सेकते हैं।
फ्रेंड्स सेकने के लिए आप इसको टोस्टर यूज में ले सकते हैं, ग्रिल सैंडविच मेकर यूज में ले सकते हैं या तवे पे भी सेक सकते हैं। हम आपको तवे पे सेकना बताएंगे। फ्रेंड्स ब्रेड के दोनों साइड भी हम बटर लगा देंगे। आप इसमें बटर, घी या रिफाइंड ऑयल का यूज में ले सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने इस पे देखिए इसको लगा दिया है। आइए फ्रेंड्स सेकना स्टार्ट करते हैं। तवा गर्म हो चुका है, हमने गैस के फ्लेम को एकदम कम कर दिया है। दूसरी साइड पे बटर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम चारों तरफ भी इसमें डाल देंगे ताकि चिपके नहीं, और इसको कुछ देर के लिए हम ढक देंगे। आइए फ्रेंड्स ढक्कन को हटा करके हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से सिक गया है, साइड हमने चेंज कर दी है, और इसको कुछ इस तरह से दबा दबा के हम सेकेंगे ताकि चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। वापस इसको कुछ सेकंड्स के लिए ढक देंगे। आइए फ्रेंड्स ढक्कन को हटा के देखते हैं, दूसरी साइड से भी ऑलमोस्ट सिक चुका है। अब हम इसको कुछ इस तरह से एक दो बार इस तरह पलटते रहेंगे और दबा दबा के इसको सेक लेंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारी चीज़ स्टिक तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स एक बात बताऊं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पिज्जा स्पाइसी जो मसाला लिया है उसको हम हल्का हल्का ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। देखिए मैंने बिल्कुल हल्का हल्का लगा दिया है, आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज्यादा लगा सकते हैं। साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड भी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा चीज सैंडविच तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्ट्रिक्स कट करनी है, इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और दूसरे सैंडविच को भी इसी तरह से सेक लेंगे। मैंने दोनों देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों सैंडविच तैयार कर लिए हैं, बहुत अच्छे से सेके हैं। देखिए आइए अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टिक्स तैयार करनी है। आप चाहें तो चाकू से या कैंची से भी कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कट करने में ही आवाज इतनी बढ़िया आ रही है। हमने यहाँ पे चीज स्टिक्स तैयार कर ली हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने सारे स्टिक्स एकदम अलग अलग कट कर ली हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही है। देखिए आप चाहें तो इसको स्टिक्स के रूप में यूज में ले सकते हैं, वरना आप इसको सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। आप इसको सॉस के साथ में यूज में लें, और फ्रेंड्स अगर आप इसको बच्चों के टिफिन में पैक कर रहे हैं तो आप इस तरह से टमाटो केचप के पाउचेस आते हैं, आप पाउच के साथ में पैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, टेस्ट करें, ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।